केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL द्वारा दिल्ली में जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मैं आज देश भर के कोऑपरेटिव और कृषि क्षेत्र से जुड़े भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है, क्योंकि मुझे कोऑपरेटिव और किसानों की ताकत मालूम है। इसको अगर एक मंच मिल जाए तो हम दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। शाह ने कहा, किसान प्राकृतिक खेती भी करते हैं, इसके लिए परिश्रम भी करते हैं, लेकिन उनके उत्पाद को कोई प्राकृतिक मानता ही नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं है। कई सारे जालसाजी करने वाले लोग मैदान में आ गए हैं, जो अपने उत्पाद को प्राकृतिक न होने के बाद भी प्राकृतिक बताते हैं। भारत सरकार ने 11 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL की स्थापना करके इस समस्या का समाधान किया है। अब जब प्राकृतिक खेती के किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, तब एक और समस्या आई, उपभोक्ताओं के लिए भी आई है, किसान के लिए भी आई है। वो प्राकृतिक खेती भी करता है, इसके लिए परिश्रम भी करता है, 3 साल का धैर्यपूर्वक प्रयास भी करता है, मगर उसके प्रोडक्ट को कोई प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मानता ही नहीं, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन नहीं। और उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ी समस्या हुई है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रेट थोड़े ज्यादा मिलते हैं तो कई सारी जालसाजी करने वाले भी मैदान में आ गए हैं, जो अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक न होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक बताकर चलते हैं। तो इसका समस्या का समाधान क्या? तो इस समस्या का समाधान भारत सरकार की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में 11 जनवरी 2023 को नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना कर ढूंढा है। इस तरह की और भी न्यूज अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।